हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका फिर से स्वागत है। आज हम दो शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे। एक निफ्टी 50 का पार्ट है, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट है। और ये दो ऐसे शेयर हैं जो आने वाले, मुझे जो रिज़ल्ट आ रहे हैं ये धमाल करने वाले हैं और आपके पैसे को बढ़ाने वाले हैं। तो इनकी तरफ नज़रें ही नहीं रखिएगा, इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। ये बहुत मल्टी बैगर शेयर है, इन्होंने अपने आप को पहले भी प्रूव किया है, आगे भी प्रूव करते रहेंगे। इनके बिज़नेस काफ़ी दमदार है और मैंने काफ़ी बार इनके रिलेटेड वीडियो बनाई है, बट फिर दोबारा इन्हीं, क्योंकि यही शेयर है जो आपके पैसे को बढ़ा सकते हैं। और कोई आप सोचोगे कि 5 रुपए 10 रुपए के शेयर को खरीदूंगा और वो अदानी ग्रीन की तरह हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। हर एक शेयर इस तरीके से नहीं चमकता, हर एक चमकने वाला पत्थर ऐसे गोल्ड नहीं होता ना, सोना नहीं होता, ऐसी हर कोई शेयर गोल्ड नहीं होता। तो कोई शेयर होता है वो निकल जाते हैं, वो निकल गए, बट अभी हमें अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करना है। अच्छे शेयर में इन्वेस्ट करके अपने आप को सेव करना है, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है। एज वेल एज बात करें, हमें अपने आप को पैसे भी हमें मार्केट से कमाने हैं। तो ऐसे अच्छे शेयर की तरफ बनोगे तो अच्छा खासे रिटर्न बनाओगे। तो हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ेंगे, जल्दी कवर करेंगे, बट बिफोर दैट मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि इस तरीके की वीडियो मैं आपके पास लाता रहूँ डेली बेसिस पे, और आपको फौरन तौर पर अपडेट भी मिलता रहे। इसलिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, बट इससे पहले एक और चीज़, नीचे डिस्क्रिप्शन में दो लिंक है। अगर आपने ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, डीमैट अकाउंट नहीं है, इस पर क्लिक करें, फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, कोई चार्ज नहीं देना, और बहुत अच्छे ब्रोकर के साथ आपका अकाउंट ओपन हो रहा है। एज वेल एज यहाँ पर एक और लिंक है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, आपको पता ही है पुण्य का काम है, इसमें मदद करिए, पैसा आपका भी ग्रो होगा और मंदिर भी बन जाएगा, और क्या चाहिए। तो इससे आगे वीडियो की तरफ चलते हैं। तो देखिए, जिस शेयर से लिटरी बातें कर रहा हूँ, नाम नहीं छुपाऊंगा आपके सामने है, डिविस लेबोरेटरी। मत भागना वीडियो नाम देख के, क्यों बता रहा हूँ उसके पीछे का रीज़न देखना। मैंने आपको पहले ही बताया है बाय ऑन डिप्स करिए, बट अभी खरीदने का मौका है, क्योंकि अब नीचे नहीं जाने वाला। तो ये डिविस लेबोरेटरी, इस शेयर का नाम है 4,34.93, मतलब 3,493 रुपये पर शेयर चल रहा है, और लगभग यहाँ पर देखेंगे तो 2.56%, अगर देखेंगे तो और ऊपर तक गया था, 3,500 तक गया था, फिर नीचे आया है। तो लगभग, और ये शेयर कहाँ से नीचे गिरा है तो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये शेयर 4,000 रुपये ऊपर गया था, और उसके बाद यहाँ पर आया है और गिरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 52 वीक हाई 39.14 का था, और यहाँ पर अगर देखिए तो 3,400 रुपये के, 3,500 रुपये के आसपास चल रहा है, और अभी इसके रिजल्ट आने वाले हैं, और जैसे ही रिजल्ट आएंगे ना, तो ये शेयर आपको इस रेट पे नहीं मिलेगा, तो ये शेयर आपको अच्छे खासे रेट पे मिलेगा। तो देखिए, 10% के तो आपको अप डाउन अभी अप 10% के रिजल्ट तो आपको फौरन तौर पर मिलेंगे, मुझे जो लगता है 1 महीने के अंदर अंदर। बट जो और आगे की बात की जाए, तो ये शेयर को आप पोर्टफोलियो में रखते हैं ना, तो और भी बहुत ही बेहतरीन रिटर्न आपको फ्यूचर में भी मिलते नज़र आएंगे। और 1 महीने की बात है, 1 महीने से 10% के रिटर्न बहुत होता है। 1 महीने में 10% कमा रहे हो तो मतलब 12 महीने में आप 120% के रिटर्न कमा रहे हो, इस तरीके की छोटी छोटी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। मार्केट कैपिटल देखिए, लार्ज कैप है, 90,000 करोड़ रुपये का मार्केट कैपिटल है। ROCE देख लिए, 24 का ROCE है, बहुत बेहतरीन ROCE है। अगर बात करें यहाँ पर कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, तो यहाँ पर सेल्स देख लीजिए, सबसे ज़्यादा सेल्स हमें नज़र आ रही है, थोड़ी कम हुई है दिसंबर में, बट कोई इशू नहीं है, वो नहीं कम ज़्यादा होती रहती है, बहुत सारी फार्मा कंपनी मार्केट में अवेलेबल है, और API से रिलेटेड काम करती है, वो एक अच्छी बात है। और अभी निफ्टी 50 का पार्ट बनी है पिछले 6 7 8 महीने में। तो सेल्स देख लीजिए, 1656 करोड़ रुपये की सेल्स, प्रॉफिट देखिए, 461 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, जो कि इंक्रीजिंग मैनर में, डिक्रीजिंग मैनर में नहीं है, ये इस पीरियड को छोड़ दो, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सेल्स देखिए, यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस सबसे ज़्यादा सेल्स पिछले 12 महीने में 66 56 करोड़, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखते तो देखिए, अभी तक का सबसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट साल में 1,859 करोड़ रुपये का, और क्या चाहिए। ऐसी ही कंपनी आगे बढ़ती है, जो अपने अपने आप को प्रूव करके दिखाती है। रिजर्व्स 8,270 करोड़ रुपये का, लगभग 6,600 करोड़ रुपये का रिजर्व्स, बोरिंग 1 रुपये की भी नहीं, पहले थी सीधे कम कर दी सितंबर में, कोई बोरिंग नहीं, डेट फ्री कंपनी है। इन्वेस्टमेंट 7 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट, कैश की बात करें तो अच्छा खासा कैश है, 1,860 करोड़ रुपये का कैश है। ऐसी कंपनी नहीं बढ़ेगी तो कैसी कंपनी बढ़ेगी, आप खुद सोच सकते हैं। ROCE ही 24 की ROCE पे मिल रहा है। प्रमोटर की होल्डिंग देखिए, 51.95। FIIs देखिए, हर क्वार्टर में पहले बेच रहे थे, फिर उसके बाद क्या खरीदना शुरू करिए, और दिसंबर में तो देखिए 21% के लगभग, 20.5%। DIS देख लीजिए, थोड़ी बहुत हिस्सेदारी, बट ये भी ज़्यादा नहीं बेच रहे, 17% की हिस्सेदारी है। पब्लिक की बात करें
तो पब्लिक के पास कितनी हिस्सेदारी है, तो पब्लिक के पास 10% की हिस्सेदारी यहाँ पर पब्लिक रखती है, और इस पब्लिक में भी HNI ज़्यादा होंगे। ओके, नॉर्मल आपको रिटेल इन्वेस्टर बहुत कम मिलेंगे, तो इसलिए कहता हूँ ये शेयर आपको फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न देने वाला है, इसे बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी को मिस मत कर देना। यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट पैटर्न किस तरीके से भागा है 2017 से, किस तरीके से इसने आपको रिटर्न दिए, क्या मल्टी बैगर रिटर्न दिए, तो आप खुद सोच सकते हैं। तो पैंडामिक एंडामिक कुछ भी नहीं, पैंडामिक से पहले भी ये शेयर भाग रहा था, तो नज़र रखिएगा। इसके अलावा दूसरा शेयर इन्फो एज, ओके, जोमेटो, और डिफरेंट डिफरेंट इसने उसका कंपनी में अपने शेयर ले रखे हैं। जोमेटो हो गया, नौकरी डॉट कॉम हो गया, शादी डॉट कॉम हो गया, बहुत सारी कंपनीज़ में इसने शेयर ले रखे हैं, और छोटे मोटे नहीं, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में ले रखे हैं। जैसे जैसे बिजनेस चलेगा, देखिए नौकरी डॉट कॉम अपने उसमें नंबर वन है, जोमेटो रिटेल फूड में उसे नंबर वन है, ओके, शादी डॉट कॉम वो उसमें नंबर वन है, तो हर एक कंपनी अपने अपने पर्टिकुलर सेक्टर में नंबर वन है, और उसमें इसका निवेश है। तो ये कंपनी डिजिटली है एक तरीके से, हो तो ये कंपनी आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड देती जाएगी। 5 दिन पहले आपको कह रहा था खरीद लीजिए, अच्छा खासा शेयर है, 4345-50-45 पे शेयर चल रहा था, अगर आपने खरीदा होता 10% के रिटर्न आपको मुबारक होते 5 दिन के अंदर अंदर। बट कोई इशू की बात नहीं है, क्योंकि 1 महीने का अगर मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा तो ये 5600 रुपये तक ये शेयर होके आया था, यहाँ पर आप देख सकते हो, उसके बाद गिरावट है। अगर अभी भी खरीदेंगे तो 13-14% के रिटर्न तो मिलेंगे। और इसके अलावा दूसरी बारबेक्यू का IPO आपको नज़र आता हुआ दिख रहा है, ओके, इसी मंथ में, तो बहुत जल्दी जोमेटो का आएगा, बहुत जल्दी पॉलिसी बाजार के आएगा, और एक बार के IPO आएंगे तो ये रॉकेट बनेगा, और रॉकेट बनते साथ ये आपको क्या रिटर्न देगा, ये आपको रिटर्न देगा कम से कम दुगने का, ये मुझे दुगना दिखाई देता है, इसलिए मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी उठा रखी है। आप भी अपने हिसाब से अपनी ड्यू डिलीजेंस करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेयर किस तरीके से भागा है, एज वेल एज यहाँ पर फाइनेंशियल देख लेते हैं। लार्ज कैप कंपनी है, 60,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, ओके, यहाँ पर पी की तो बात मत करिए, पी तो ऐसी कंपनी में मैटर ही नहीं करता, डेट फ्री स्टॉक है। सेल्स देख लीजिए, ओके, सेल्स कंटिन्यूस इसी रेंज में आपको सेल्स नज़र आ रहे हैं, कुछ खास नहीं, क्योंकि इनकी एक आध दो सब्सिडरीज है जो कि थोड़ा थोड़ा सेल्स कर रही है, जो अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रही है, बाकी कुछ कंपनीज है जो मार्केट में लीडर है। नेट प्रॉफिट देख लीजिए, नेट प्रॉफिट इस बार का सबसे ज़्यादा है, 679 करोड़ रुपये का। ईयरली बेसिस पे बात करते हैं तो यहाँ पर ईयरली बेसिस मायने रखता है, तो यहाँ पर देख लीजिए 246 करोड़ रुपये का यहाँ पर टर्न मतलब सेल्स थी, जो कि बढ़ते बढ़ते इस बार का पिछले 12 महीनों में 1151 करोड़ रुपये की सेल्स है। नेट प्रॉफिट देख लीजिए, जो पिछले पिछले साल नेगेटिव में था, वो पिछले 12 महीने में 1220 करोड़ रुपये का प्रॉफिट में है। और क्या चाहिए, रिजर्व्स देखिए, रिजर्व्स बेहतरीन, 4,335 करोड़ के रिजर्व्स, बोरिंग डेट फ्री ही कह सकते हैं, वर्चुअल डेट फ्री, क्योंकि इतने सारे रिजर्व्स है, सब चीज़ है इसके पास, 69-70 करोड़ रुपये का क्या होता है, इनका कुछ भी नहीं जाता है ऐसी बोरिंग में। इन्वेस्टमेंट 1242 करोड़ रुपये की इन्वेस्टमेंट, एज वेल एज कैश इक्विवेलेंट 1973 करोड़ रुपये का कैश इक्विवेलेंट। अगर बात करें हम प्रोमोटर्स की होल्डिंग, तो यहाँ पर देखिए 38% की प्रोमोटर्स की है। FIs को देखिए, मेन तो FIs देखने वाली है, 40% 41% की हिस्सेदारी। DIs देखिए 11% की है। पब्लिक को देखिए, पब्लिक के पास 9.48% की हिस्सेदारी है, बट अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करके देखता हूँ तो पब्लिक के पास भी कितने परसेंट की हिस्सेदारी हमें नज़र आ रही है, 3-4% की हिस्सेदारी पब्लिक के पास है, बाकी सब बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पर खरीद के रख रखा है, क्योंकि उन्हें पता है ये कंपनी का क्या भविष्य है, और किस तरीके से इसकी जो सब्सिडरीज है जिसमें इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है एक बार, तो वो किस तरीके का बिजनेस करती है वो आप खुद देख लीजिएगा। यहाँ पर कुछ अगर टेक्निकल्स की भी अगर हम बात करते हैं, तो देखिए शेयर बार बार इसी लेवल पर आता है, इस लेवल से फिर ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पर अगर शॉर्ट टर्म में भी आपको पैसा कमाना है तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर डिविस लैब की बात कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा था, 30 के RSI के लगभग यहाँ पर ये शेयर आया था, मैंने आपको बताया था, और उसके बाद ये इसने अच्छा खासा पहली बात ऑलरेडी भाग चुका है, बट फिर भी अभी भी इसके भागने के चांसेस है, क्योंकि इसका जो हाई था वो लगभग कितना था, 4,000 के आसपास था, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेयर को 4,000 रुपये जाता हुआ मुझे नज़र आ रहा है विद इन 1-2 मंथ्स, ओके, और अगर नहीं भी गया तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी रखिएगा, तो भी आपके को आपको कोई घाटा नहीं है, ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न देगा। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए यहाँ पर नौकरी डॉट कॉम की,
ओके नॉक इन्फो एच की, तो इन्फो एच देखिए नीचे तक होड़ के हुए आया है 4200-4300 के आसपास, और फिर उसके बाद इसने अच्छी खासी जंप लगा दी है ऑलरेडी। बट इसका जो मुझे ऑल टाइम, देखिए इसने दो बार टेस्ट किया है इस लेवल को, यहाँ पर 5600 के आसपास आया, फिर यहाँ पर आया 5600 के आसपास 54, 50, 55, 56, और फिर उसके बाद यहाँ पर दो बार नीचे आ चुका है। तो आपको बताना चाहता हूँ ये इस तरीके का जो पैटर्न बनता है ना, इसे देखिए यहाँ पर कप विल हैंडल पैटर्न कहते हैं। यहाँ पर देखिए और ये नीचे जा रहा है, और फिर यहाँ से अब ये जो ये भागता है, जब ये कप विल हैंडल पैटर्न बन के जब ये निकलता है ना, गोली की तरह निकलता है, यहाँ पर देखेंगे ना कप विल हैंडल पैटर्न बन रहा है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं टेक्निकल में कुछ पास क्या कहते हैं, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया हुआ, बट मुझे कुछ नज़र आ रहा है तो इसलिए बता रहा हूँ। देखिए इस तरीके का ये जो बन रहा है ना, ये इस तरीके का कप बन रहा है। और अगर बात की जाए यहाँ पर, सॉरी ये हो गया, और फिर इसके बाद हम यहाँ पर अगर देखते हैं तो इस तरीके का देखिए ये है, ये हो गया हैंडल, तो ये कप विन हैंडल पैटर्न बन रहा है। और फिर इसके बाद जब चीज़ें निकलती है ना, तो गोली की तरह निकलती है, और कैसे निकलती है कि जो ये लेवल होता है ना, इसे तो क्रॉस करती है, और उसके बाद जो अच्छा खासा रिटर्न बनाता है ना, तो यहाँ से जिसने खरीदा होगा उसके अच्छे खासे पैसे बनेंगे, और अच्छे खासे पैसे का मतलब है कि अच्छे खासे रिटर्न, तो ये 6000 क्रॉस कर सकता है इस बार, तो ध्यान दीजिएगा अच्छा खासा रिटर्न का मौका है, तो बाकी इसे चूकना मत, मेरा कहना के यही है। बाकी अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा, अपने आप खुद की स्टडी करिएगा। बाकी अच्छे शेयर है, आपको जो बताया है एकदम फंटास्टिक, बहुत बेहतरीन शेयर है, जो अपने आप में मार्केट में लीडर है, और निफ्टी 50 और नेक्स्ट निफ्टी 50 का पार्ट है। तो बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।